सामने आई हूँ नासिर, और मरने नहीं मारने। पिछली बार तेरी सजा में जो कमी रह गई थी ना, आज पूरी होगी। हमसे लड़ोगी, वो भी इस साल में। तुझे क्या लगा नासिर, मैं गर्भवती हूं तो कमजोर हूं? एक बात सुन ले, कोई माँ कमजोर नहीं होती। हर जीवन में ईश्वर का अंश होता है, और वो अंश जिस माँ के अंदर पल रहा हो, उस माँ की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। तू किसी मराठी से डरे या ना डरे, ईश्वर से डरना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया ना, तो मेरे पति और पुत्र से पहले महादेव तुझे दंड देंगे। लोगों को गुस्से से पागल होते हुए कई बार देखा था, मगर आज पहली बार किसी को डर कर पागल होते हुए देख रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि भगवान आकर तुम्हें बचाएगा? तो ठीक है, फिर बुलाओ अपने भगवान को और बोलो उन्हें कि आकर बचा ले। कौन मारने वाला है उन्हें? राजे ने तुम्हारी पत्नी और बच्चों को कैद से रिहा कर दिया है। वो सासवड़ की तरफ वापस जा रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वो सासवड़ की तरफ नहीं, मौत की तरफ जा रहे हैं।
सरकार और हमारे बच्चों को कुछ हुआ होता तो उससे पहले हमारे प्राण चले गए होते। वो जीवित है। जीवित है तो कहा थी ना। और मां को बचाने के लिए भगवान को धरती पर नहीं आना पड़ता क्योंकि मां स्वयं धरती पर भगवान होती है। और तूने मेरी माँ को मेरे भगवान को चोट पहुंचाई और इसके लिए मात्र एक ही दंड है, मृत्यु दंड। बाजी आई 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 उठाई आई आई उठी आई आई तो ठीक है ना। मुझे घर लेके चल बाजी। हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। उठ आई, आई उठ, आई उठ, आई। क्या बात है बेटा? काका मुझे आपके हाथ गाड़ी की आवश्यकता है। हाथ गाड़ी की? लेकिन मना मत कीजिएगा वरना अनर्थ हो जाएगा। काका
पापा वाली 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 जी बच के निकल गए, उनका परिवार बच के निकल गया। राधा भाई कैसे बच गए? ये कैसे संभव है कि उन्हें अपने रिहाई के पीछे छुपी हमारी चाल पता चल गई हो? मां के मन से कुछ छुपा नहीं रहता राजे। ऐसे है? आपने हमारा विरोध किया, अपने राधा भाई को चेतावनी दी, मौका मिलता तो जरूर बताते, पर लगता है राधा भाई ने आपका छल स्वयं पहचान लिया। आखिर वो बाजी जैसे पुत्र की मां है, बालाजी की पत्नी है, इतनी राजनीति तो समझती ही होंगी। आप एक देशद्रोही, उसके बेटे, उसके परिवार की प्रशंसा कर रही हैं? हम किसी के पुत्र की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बस अपने पुत्र को ये कह रहे हैं कि वो राजनीति में अभी बहुत कच्चे हैं। यहाँ मौका एक बार मिलता है राजे, और जो मौका खो देता है उसे देर सवेर सिंहासन भी खोना पड़ता है।
क्या मस्ती सूझ रही है तुम लोगों को? अहो, काय झालं है? ये देखिए क्या हाल किया इस वानर सेना ने। कितनी बार समझाया तुम्हें? हाँ काय, कितनी बार बताया कि जो काम हाथ में लिया है उसे ठीक से पूरा तो करो। नहीं नहीं नहीं, वैजी ने मना किया है, वैजी ने मना किया है, मुझे सताना नहीं है, आप मुझे सता नहीं सकते। वैजी ने मना किया मुझे सताने के लिए। सताने के लिए मना किया है, नहाने के लिए नहीं सका। आओ नहीं नहीं, तू इतना रो क्यों रहा है रे? मैं रो नहीं रहा, मना तो नहीं रोक पा रहा। अच्छा बता बाकी सब कैसा है? परशु कैसा है? परशु के पिता को किसी और गांव में काम मिल गया तो वो लोग गांव छोड़कर चले गए और मैं उससे अंतिम बार मिल भी नहीं सका। बाजी, तूने परशु को क्षमा कर दिया? अरे प्रदेश में व्यक्ति गांव के शत्रु को भी स्नेह पूर्वक याद करते हैं, परशु तो फिर भी मेरा मित्र था। कितना कुछ होने के बाद समझ में आ रहा है कि परशु ने जो किया वो कमजोरी थी, कपट नहीं। सच्चे मित्र तो गलती माफ करके मन साफ कर लेते हैं। सच्ची मित्रता की बात झूठे वादे करने वालों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। कोटिया, इतनी सी बात पे कोई इतना रुकता है क्या? कोटिया रोक ना। संसार में अच्छे और सच्चे मित्र बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। तू मेरी प्रशंसा कर रहा है? हाँ कोटिया, तो और कर। गोटिया, मुझे तेरी बहुत याद आती थी। गोटिया, याद आती थी तो पत्र लिखता। अगली बार पक्का लिखूंगा। मतलब तू मुझे फिर से छोड़कर जाने वाला है? नहीं गोटिया, अरे नहीं। बाजी छोड़ मला, छोड़। छोड़ बाजी, मेरी पतली कलाई मुड़ जाएगी, मेरा भारी बदन लचक जाएगा। गोटिया, मैं सच में बहुत उलझ गया था। हाँ खरच, संसार में तुझसे अधिक भार किसी पर नहीं है। शेषनाग के सर पर तो मात्र पूरे संसार का भार है, पर तेरे सर पर संसार के भार के साथ साथ चोटी का भी भार है। गोटिया, तू मेरी याद में दुबला हो गया रे। खरच, हो गोटिया? मैं दुबला हो गया? मैं दुबला हो गया? मैं दुबला हो गया? बाजी दुबला हुआ ना? हाँ हाँ, इसलिए मैं दुबला हो गया। मैं दुबला हो गया? गोटिया 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 गोटिया, तू दुबला नहीं हुआ है। अरे इशू, जो रोज देखते हैं उन्हें अंतर पता नहीं चलता।
बाजी इतने दिनों बाद देख रहा है, उसे पता चलेगा कि मैं कितना दुबला हुआ। हाँ बाजी सांगना, मैं दुबला हुआ ना? हाँ लग तो रहा है, पर सही स्थिति गले लगने के बाद ही पता चलेगी। ये गोटिया को क्या हो गया? हमारा गोटिया अब हमारा नहीं रहा बाजी,